नमस्कार सभी को। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलीनोमियल का लेक्चर 3। स्टार्ट करेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल से। क्यूबिक पॉलीनोमियल, क्यूबिक पॉलीनोमियल सबसे पहले तो क्यूबिक पॉलीनोमियल है क्या? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्योंकि क्वाड्रेटिक में जो हमारा पॉलीनोमियल था उसकी डिग्री 2 थी, तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल था इसमें डिग्री कितनी होगी? 3। तो ये क्या होगा हमारा क्यूबिक पॉलीनोमियल। जैसे इसकी जनरल इक्वेशन थी ऐसे इसकी जनरल इक्वेशन है, px मान लो या fx मान लो, ax की क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस k d। अब वहां पर हमने अभी क्यूबिक क्यूब इसकी डिग्री कितनी है? 3 है। अब जिसकी डिग्री जितनी है उसके उतने ही जीरोस होंगे, तो सिंपली सी बात है इसकी जीरोस भी 3 होंगे। जब क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के जीरोस थे अल्फा बीटा, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा हमारा गामा। अब वहां पर हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे जैसे ए था, बी था, सी था। तो ए क्या था? ए था हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, वहां था एक्स स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा एक्स की क्यूब। सेम बी क्या हो जाएगा भाई? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या हो जाएगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और हमारा डी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट टर्म, यानी कि हमारा अचर पद। जो ए है वो क्या होगा? एक्स की क्यूब का गुणांक। जो बी है वो क्या होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक। जो सी है वो क्या होगा? एक्स का गुणांक। और जो डी है वो क्या होगा? कांस्टेंट टर्म, हमारा अचर पद। अब जैसे वहां पर हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो सेम यहां पे भी है सम ऑफ जीरोस। तो पहला फॉर्मूला है हमारा सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस फॉर्मूला सेम है माइनस के बी अपॉन ए। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्यूबिक पढ़ रहे हैं तो क्यूबिक में जो बी है वो क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। सेम ऐसे फॉर्मूला बनेगा। अब सम ऑफ जीरोस यानी कि जीरोस कौन है? अल्फा बीटा का मान, यानी कि इनका सम। ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए। अब एक फॉर्मूला इसमें नया है, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। फॉर्मूला है हमारा सी अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होगा? सी अपॉन ए। सी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होगा हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सेम ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, फॉर्मूला माइनस के डिग्री अपॉन ए। क्लियर? ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म हमारा अचर पद है, और ए क्या है हमारा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब। तो ये तीन फॉर्मूले हमारे क्यूबिक पे, लेकिन क्वेश्चन क्यूबिक से नहीं आने की वजह। अब क्यूबिक पॉलीनोमियल, अब जीरोस की बात है अल्फा बीटा गामा, और हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल पढ़ा था तो हमने जीरो जो फाइंड करे थे फैक्टराइज से पढ़े थे। लेकिन यहां पे तीन की जिनकी डिग्री 3 होगी उनके तो हम फैक्टर नहीं कर पाने, तो उसका नया मेथड है, अलग मेथड है, उसमें हमारा यूज होगा डिवाइड। हमें डायरेक्टली डिवाइड नहीं सिखाना, मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहा हूँ जिनमें डिवाइड भी आ जाएगा, जो हमारे पेपर के कॉन्ट्रीब्यूशन बोर्ड एग्जाम मानने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रखे हुए मिलेंगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर है आपका 11, आरएस अग्रवाल का एग्जाम्पल नंबर 11 है। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। तो इस पॉलीनोमियल को बता रहा हूँ, पॉलीनोमियल px कह लो या fx कह लो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैंने fx नाम रख दिया इसका। क्या है? 2x की क्यूब, 2x की क्यूब माइनस के 4x माइनस के x स्क्वायर प्लस के 2। ये पॉलीनोमियल कह रहा ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, टू जीरोस दिए तो जीरोस क्या होगा? x की वैल्यू, यानी कि 2x की वैल्यू दे दी, एक तो √2 और एक क्या दे दिया? माइनस के √2 दो दे दिए। अब उसने कही ऑब्टेन ऑल जीरोस, तो इसके जीरोस कितने होंगे? कैसे पहचान करेंगे? जिसकी जितनी डिग्री है उसके उतने जीरोस होंगे। इसकी डिग्री कितनी है? 3, तो जीरोस भी कितने होंगे? 3। कितने दिए हैं? 2। तीसरा क्या करना है? 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2-3 एग्जांपल, 2-3 आंसर, हर साल पेपर 2 में रखा हुआ क्वेश्चन मिलेगा 100%। मेथड क्या है? इसे इधर ले जाओ, इधर आ गया माइनस को हो गया 0, इसे मान लिया हमने फर्स्ट, इसे इधर ले जाओ x + √2 = 0, इसे मान लिया हमने सेकंड।
ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब देखो एक बात बताओ, मैं इसे थोड़ा सा नॉर्मल एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, जैसे कि हमारा सिंपल लैंग्वेज में एकदम देहाती भाषा में fx यानी कि फादर है और ये इनके दो सन है। अब कोई ये जो कमा के लेके आएंगे तो कमा के लेकर आगे किसे देंगे, पापा को, तो ये भी इसका और ये भी इसका। अब दोनों की तरफ प्रोडक्ट भी करते हैं तो वो भी तो फादर ही है, लेकिन जबकि हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी इसका क्या होगा, जीरो। तो हम करेंगे मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट एंड सेकंड, तो x माइनस रूट टू की मल्टीप्लाई करेंगे हम x प्लस रूट टू में और बराबर जीरो इक्वल्स टू जीरो। अब यह फॉर्मूला बन गया a माइनस b a प्लस b, यानी कि एक बार ऐड हो रहा है एक बार सब्ट्रैक्ट, तो फॉर्मूला किसका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो यानी कि a, a तो हमारा कौन है x, तो x का स्क्वायर, b कौन है हमारा रूट टू, यानी कि रूट टू का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो गया, रूट टू का स्क्वायर टू हो गया, इक्वल्स टू जीरो। अब हम कहेंगे ये भी इसका क्या होगा जीरो, हम कहेंगे x स्क्वायर माइनस टू इज ऑल्सो अ जीरो ऑफ किसका fx का। अब ये इसका जीरो है, फिर सिंपल लैंग्वेज में ले लो, ये इसके फादर से फादर में दोनों की प्रोबेबिलिटी आ गई, बच गई लड़ाई, तो अब क्या हुआ डिवाइड, तो डिवाइड का मतलब इससे हमें करना पड़ेगा fx को डिवाइड, तो अब fx लेके आओ, fx किससे डिवाइड करेंगे हम x स्क्वायर माइनस 2 से, x स्क्वायर माइनस 2 से किससे डिवाइड करेंगे भाई हम fx को, fx था हमारा 2x की क्यूब माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, और इसे डिवाइड करना है हमें एक्स स्क्वायर माइनस टू से, तो डिवाइड करना आपको आता ही होगा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबसे पहले हमें सीक्वेंस सही करना है। सीक्वेंस कैसे सही करेंगे, यहाँ पावर थ्री है, ये वन कहाँ से आ गई, क्या आनी चाहिए पहले टू, तो इसे चेंज करो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, पहले सबसे बड़ा उसके बाद छोटा उसके बाद सबसे छोटा जो बचा हो, पावर के अकॉर्डिंग ले लेंगे। अब डिवाइड करना है, डिवाइड करने का बहुत ही सिंपली तरीका है, आज के बाद कभी डिवाइड करने में प्रॉब्लम नहीं आने की। यहां x सबसे पहले चेक करो इसका कोफिशिएंट कितना है, इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक कितना है 1, इसका गुणांक चेक करो इसका गुणांक कितना है, इसका गुणांक है 2, कितने की जरूरत है 2 की, तो 2 ले लिया। अब इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3, कितनी कम है 1, तो 1 ही ले लिया। अब ये जो है इसकी तो मल्टीप्लाई करनी है, इन दोनों में 2 होंगे 2 3 होंगे 3, जितने भी होंगे सब होंगे, क्या करनी है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करो, ये तो हमने सही करा, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 2 की 2x में करेंगे तो 4x आ जाएगा, x स्क्वायर नहीं आएगा, स्क्वायर आता तो स्क्वायर वाले के नीचे x है, तो x वाले के नीचे कांस्टेंट होती है, कांस्टेंट वाले के नीचे, तो माइनस के क्या आ गया 4x। अब करेंगे हम सबट्रैक्ट, घटाने पर सबट्रैक्ट करने पर साइन हो जाएगा हमारे चेंज, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ये भी कैंसिल क्योंकि अल्टरनेट साइन है, कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस को क्या कर देगा कैंसिल, ये ऐसा कैसे आ गया, बचा गया 2। अब फिर से चेक करो इसका कोएफिशिएंट कितना है भाई 1, इसका कोएफिशिएंट कितना है -1, तो हमें माइनस की जरूरत है, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा चला दो, ये तो यही आना है, -1 की -2 में करोगे -2 सबट्रैक्ट माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, जीरो जीरो ही आना चाहिए, अगर जीरो नहीं आया मतलब क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, फिलहाल जीरो आ गया तो हमें निकालना क्या था, अदर जीरोस, कितने जीरोस आएंगे 1 क्योंकि डिग्री कितनी थी 3, तो 4 जीरोस, 4 जीरोस 2x -1 को किसके इक्वल रख दोगे 0, तो 2x की वैल्यू सबट्रैक्ट हो जाता है हो जाएगा प्लस का, ये मल्टीप्लाई में तो कहां जाएगा भाई डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, ये क्या होगा हमारा अदर जीरो। अब इसमें एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 13, पता नहीं कितनी बार बोर्ड एग्जांपल पूछा हुआ है, क्वेश्चन का मेथड, अगर आपको मेथड समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन एक क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है। क्वेश्चन नंबर आपका एग्जांपल नंबर 13 आ रहा है सरवाल, कह रहा ऑब्टेन ऑल द जीरोस, तो जीरोस किसका पॉलीनोमियल fx दे दिया, मैं लिख रहा हूं 3x की पावर 4 माइनस के 15x की क्यूब प्लस के 13x स्क्वायर और प्लस के 25x और माइनस के 30, कह रहा है ये fx दे दिया है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर, दो जीरोस भी दे दिए इसके
5 अपॉन 3 और एक माइनस के रूट 5 अपॉन 3। अब क्या ऑब्टेन ऑल जीरोस, तो जीरोस कैसे ऑब्टेन करेंगे, कैसे पता चलेगा कि कितने जीरोस हैं? सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा हमें, इसकी डिग्री, इसकी डिग्री कितनी है 4, जीरोस भी कितने होंगे 4, कितने हैं हमारे पास 2, तो इस बार कितने जीरोस आने चाहिए 2। अब मेथड वही है, इसे इधर ले जाओ, तो ये कहेगा हो गया अभी माइनस का इक्वल्स टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, इसे इधर ले जाओ, ये उधर माइनस का है तो इक्वल टू के इधर आएगा, तो माइनस में आएगा भाई प्लस का इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इनके हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई, तो फर्स्ट इनटू सेकंड, पहले के दूसरे की मल्टीप्लाई कर दो, तो फार्मूला वही x माइनस रूट 5 अपॉन 3 की मल्टीप्लाई करोगे x प्लस रूट 5 अपॉन 3 में, तो फार्मूला a प्लस b है माइनस b, यानी कि वही a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या फार्मूला बन जाएगा भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a स्क्वायर, a क्या है हमारे लिए x, तो x का स्क्वायर माइनस b क्या है हमारे लिए रूट 5 अपॉन 3, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 0। अब रूट से स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, वैसे एक नॉलेज की बात क्या है, क्योंकि रूट की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और पावर 2 है, 2 से 2 कैंसिल, इस वजह से हमारा रूट स्क्वायर क्या कहलाता है, सिंपल लैंग्वेज में इस रूट स्क्वायर को खा गया, खाता नहीं है सिर्फ मुंह नहीं है, ये पावर रूट की 1/2 हो गई और इसकी पावर 2 पहले से है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 5 अपॉन 3 आ जाता है, तो x स्क्वायर माइनस की 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। अब क्या है कि तो देखने में सुंदर नहीं लग रहा, तो मैं इसे सुंदर रखूंगा, इसे ले लो 3, 3 की मल्टीप्लाई इसमें 3x स्क्वायर, 1 की मल्टीप्लाई 5 में इक्वल्स टू 0, 3 0 में जाकर चला गया 0, आ गया 3x स्क्वायर माइनस 5। अब ये भी इसका क्या होगा, 0 होगा क्योंकि दोनों वेक्टर की प्रॉपर्टी मिलकर फादर के पास ही जानी है, तो ये भी इसका क्या होगा 0, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब होगी लड़ाई, अब लड़ाई होगी तो क्या होगा भाई, डिवाइड, तो इससे क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड, तो डिवाइड करो, गर्मी होने लगी भाई, डिवाइड करो क्या था भाई, भूल गया मैं तो, 3 3 तक का, हाँ 3x स्क्वायर माइनस के 5, इससे हमें क्या करना है डिवाइड। अब फिर से कोई मेथड है, मेथड याद रखना है बस, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पकड़ो, क्वेश्चन खुद से हो जाएगा। अब इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इक्वल करने की जरूरत है क्या, नहीं है इक्वल है, तो फिर पावर चेक करो, इसकी पावर कितनी है भाई 2, इसकी पावर कितनी है 4, कितनी पावर की हमें जरूरत है 2 की। अब ये जो आया इसके हमें मल्टीप्लाई करनी है, यहां पे 2 हो तो 2 फंक्शन 3 है, तो 3 टर्म जितनी ने सबका हमें मल्टीप्लाई करनी है, ये तो सेम आना है क्योंकि हमने सेम करा है। अब इसकी इसमें करोगे तो 5x स्क्वायर, इसके नीचे किसके नीचे, स्क्वायर वाला स्क्वायर के नीचे, क्यूब वाला क्यूब के नीचे, x वाला x के नीचे, कांस्टेंट वाला कांस्टेंट के नीचे आएगा, तो 5kx में करेंगे तो क्या आएगा भाई माइनस के 5x स्क्वायर, सबट्रैक्ट करने पे ये माइनस ये प्लस, ये तो हो गया कैंसिल, ये ऐसा का ऐसे आ गया। अब ये देखो 13 भी प्लस के 5 भी प्लस के, 13 5 हो गया हमारा 18x स्क्वायर 25x माइनस के 13, फिर से चेक करोगे इसका कोफिशिएंट कितना है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है माइनस के 15, कितने की जरूरत है 3 में, मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगी 15 आ रहा 3 5 का 15 लेकिन माइनस के 5, ठीक है पावर कितनी है 2, इसकी पावर कितनी है 3, कितने की जरूरत है एक ही जरूरत है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 15x की क्यूब माइनस माइनस हो गया प्लस और 5 5 तक 25x, तो 25x 25x के नीचे आएंगे वो भी हमारे प्लस के, सबट्रैक्ट करने पर ये प्लस ये बन, ये भी कैंसिल, ये आ गया हमारा ऐसा का ऐसे। फिर से चेक करोगे इसको कोफिशिएंट 3 है, 3 में मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि 18 आ जाए, तो 3 में 6 की मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा हमारा 18, इसकी पावर कितनी है 2, इसकी पावर भी कितनी है 2, मतलब इक्वल है, अब पावर इक्वल करने की जरूरत नहीं है, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18x स्क्वायर 65 में माइनस ये 30 आ गया, सबट्रैक्ट में माइनस ये प्लस कैंसिल, रिमाइंडर आया 0, और 0 ये हमारा रिमाइंडर आना चाहिए, तो डिवाइड हो गया, इससे दो चीजें हो गई, हमें डिवाइड करना भी आ गया। अब हमें निकालने हैं जीरोस, तो कहेंगे 4 अदर जीरोस, अब अदर जीरोस के लिए हमारा ये काम करेगा, तो प्रॉपर्टी डिवाइड होके आ गई, इसके हमें क्या करें फैक्टराइज, फैक्टर करो बाकी के दो जीरोस हमें मिलेंगे, फैक्टराइज करो x स्क्वायर
लिखवे ना लाइन फॉर अदर जीरोस पुट x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले फिर से फैक्टर आ गया, तो फैक्टर करने का मेथड क्या था, सबसे बड़ी पावर छोटी पावर, उसके बाद कांस्टेंट टर्म को तुम सही लिखा है, उसके बाद हमें करना क्या है, कांस्टेंट टर्म पकड़नी है, उसकी x स्क्वायर के कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करनी है, 6 ही आएगा, उसके करना है फैक्टर 2 3 जा 6 और 3 बन जा 3 और ऐड करें तो 5 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, 3 2 5 और 3 2 जा 6, यानी कि 5 की जगह मैं लिख सकता हूं 3 plus 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस के 6 equals to 0, अंदर इनकी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस साइन अंदर लेके गए, प्लस के 6 equals to 0, दो दो करके हम क्या करेंगे भाई, कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन है x, क्या बचा x minus 3, मैंने बताया था ये साइन कैसा आएगा, सेम 2 क्या 6 के टेबल में आएगा, हां आएगा 2 के टेबल में 6, तो x प्लस में से माइनस बाहर आ गया तो माइनस है 2 3 का 6, ब्रैकेट कैसे आ गई भाई, सेम ब्रैकेट अगर सेम आ जाएंगे तो एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला और एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला इक्वल्स टू 0, इसे 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 3 और इसे 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू 2, यही क्या है हमारे अदर जीरोस, उम्मीद है समझ आ गया होगा आपको, ऐसे आपके क्वेश्चन है जो आपको खुद से करने हैं, आपका आरएस अग्रवाल के अंदर क्वेश्चंस है 16 17 18 और 19 और इनमें से ही क्वेश्चन एक एग्जाम में जरूर आएगा, अब इसी के बेस पर मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज इसी का बेस का क्वेश्चन आज करा दूं, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ले रहा हूं मैं 19 एक्सरसाइज के अंदर का क्वेश्चन है, सेम है लेकिन थोड़ा सा मेथड वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है बस, ध्यान से समझिए ये क्वेश्चन, फिर आप सारे कर लोगे और एक एग्जाम में जरूर आएगा गारंटी, क्वेश्चन नंबर 19 आरएस अग्रवाल एनसीईआरटी में भी है, कह रहा फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल, तो पॉलीनोमियल दिया है मैं fx लिख दिया हूं 2x की पावर 4 माइनस 11x की क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस के 13x माइनस के 7, ये पॉलीनोमियल कह रहा है ऑब्टेन ऑल द जीरोस it been given that two of its zeros are, दो zeros दिए हैं, zeros मतलब x की value, x एक तो ये दिया है और x simply है तो फिर तो 3 minus root 2 ही होगा, कह रहा है कि find all the zeros, कितने degree है 4, zeros कितने होंगे 4, कितने हमारे पास है 2, निकाल ले कितने हैं 2, method वही same है, इसे इधर ले जाओ भाई 3b minus का root 2b minus का equals to 0 equation number first, 3 इधर लेगा माइनस का 2 इधर लेगा प्लस का इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर सेकंड, अब कुछ बच्चे हम क्या करेंगे, हमने से कि मल्टीप्लाई करना डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन हमें स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्मार्टली क्वेश्चन सॉल्व कब होगा, यहां पर अगर मैं ब्रैकेट लगा दूं तो मुझे एक हिंट मिल गया ये हमारा सेम, तो a माइनस b a प्लस b मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप तो हमें पता ही है, इक्वेशन फर्स्ट की इक्वेशन सेकंड में करनी है मल्टीप्लाई, पूरा लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप मल्टीप्लाई करो इनकी x minus 3 minus root 2 की मल्टीप्लाई हमें करनी है x minus 3 और प्लस के root 2 में इक्वल्स टू क्या आ गया 0, a minus b a plus b एक बार ऐड हो रहा है एक बार सबट्रैक्ट हो रहा है, मतलब फार्मूला लगेगा a square minus b square का और a square minus b square का फार्मूला लगी जाएगा a plus b minus b, तो a क्या है हमारे लिए यहाँ पे x minus 3 का whole square minus root 2 का whole square equals to 0, बस इस whole square को हम break कर देंगे, join और उसी में क्या करना है divide, तो चलो x minus 3 का whole square यानी कि a minus b के whole square का formula बताओ, formula बन जाएगा हमारा a square plus b square minus a 2ab और 2 root 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 equals to 0, यानी कि x square minus के 6x और 9 में से 2 जाके plus के 7, ये भी एक हमारा क्या होगा इसका zeros होगा, अब zeros होगा इसे satisfy करेगा तो मतलब हम इसे divide करेंगे और divide करने के बाद हमारा क्या आना चाहिए भाई जो आएगा उसमें factorize करेंगे वो हमारा क्या होगा zeros other zeros, तो x square minus 6x plus 7 7 से करेंगे अब divide करना आपको आ गया होगा, सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे,
सबसे पहले हम चेक करेंगे यहां जो भी दिया है उसका कोफिशिएंट कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, फिर चेक करेंगे यहां पे जो है इसका कोफिशिएंट कितना है 2, तो कितने की जरूरत है हमें 2 की, उसके बाद यहां पावर कितनी है 2, यहां पावर कितनी है 4, कितने की जरूरत है 2 की। अब यहां पे जो भी है उसकी इन सारों में मल्टीप्लाई करनी है कुछ भी हो तो करो, पहला तो सेम है। अब x की x स्क्वायर में करेंगे तो x की क्यूब आएगा, तो क्यूब के नीचे रख देंगे नो प्रॉब्लम, पहले 6 की 2 में लो, 6 2 जा 12 प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर के x में करेंगे तो क्या आएगा x की क्यूब, 7 2 जा 14 x स्क्वायर, सबट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस ये प्लस ये माइनस, इससे ये कैंसिल हो गया। अब देखो 12 तो है प्लस a, 11 है माइनस a, माइनस प्लस को हम उधार से ले सकते हैं, अगर कहीं यहां माइनस मतलब तुमने उधार पैसे लिए हैं, प्लस मतलब उसके दे दिए, तुमने किसी से 11 रुपए लिए और 12 रुपए दे दिए तो तुम्हारा ही तो बचा ना उस पर, तो किसका बचा प्लस का x की क्यूब प्लस के 7 माइनस के 14, किसी से 14 रुपए लिए माइनस आते उधार ले लिया 7 रुपए दे दिए तो कितने बचे 7 हमारे या उसके, उसके यानी उधार के, उधार मतलब माइनस 7x2 ये ऐसा का ऐसे, फिर से चेक करो इसका कोफिशिएंट 1 है इसका भी 1 है कोई प्रॉब्लम नहीं सेम है, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 3 है हमें इस पावर की जरूरत है तो हमने एक पीछे वाले इसको मल्टीप्लाई तीनों में करनी है, करो x की क्यूब माइनस के 6 आ जाएगा और x की x में मल्टीप्लाई होगी x स्क्वायर और x की 7 में करोगे तो 7x सबट्रैक्ट माइनस प्लस माइनस ये से कैंसिल, अब माइनस के 7 में से 6 गया तो सिंपली सी माइनस के x स्क्वायर और 13 में से 7 गए 6x और माइनस के क्या आ गया 7। अब यहां पे कोफिशिएंट 1 है यहां पे -1 है तो हमें -1 की जरूरत है, इसकी पावर 2 है इसकी भी पावर 2 है सेम है मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस के x स्क्वायर माइनस माइनस होगी प्लस के 6x और माइनस के 7 सबट्रैक्ट ये प्लस ये माइनस ये प्लस तीनों कैंसिल 0 0 ही आना चाहिए, अगर 0 नहीं आया मतलब कहीं डिवाइड में मिस्टेक है। अब हम क्या कहेंगे ये 4 अंदर 0 इसके अब हमें क्या करना है फैक्टराइज, जो फैक्टर करके आया वो ये क्या होगा हमारा आंसर, फैक्टर करो फॉर अदर जीरोस, फॉर अदर जीरोस, फॉर अदर जीरोस पुट 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 को 0 के इक्वल, 2 के ऐसे फैक्टर कि ऐड करें तो 1 आ जाए 2 अंदर 2 तो 2x स्क्वायर प्लस के 2x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इनमें क्या कॉमन है 2 ओवर x क्या बचा x, यहां क्या बचा हुआ यहां से ये साइन ऐसे का ऐसे ही आ गया माइनस का बचा क्या x माइनस मतलब प्लस आ गया, ब्रैकेट सेम है मतलब एक बार ब्रैकेट के अंदर वाला और एक बार ब्रैकेट के बाहर वाला, फिर बस तुम्हें पता ही है x प्लस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू माइनस 1 और 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखोगे तो 2x इक्वल्स टू 1 और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो हमारे अंदर जीरोस क्या है माइनस 1 और 1/2। अब इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी क्वेश्चन करके लेके आने हैं, ये आपका होमवर्क है, लेक्चर 4 आपको कल या परसों मिल जाएगा, लेकिन आप वीडियो प्लीज लाइक करते रहिए शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, थैंक यू।